गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास अगेन। स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। आफ्टर दैट वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5 ऑफ एनसीईआरटी बुक वेस्ट ऑन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो देन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इन अदर केस इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो देन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Now, theorem second, if A and B are non-singular matrices of same order, then their products AB and BA are also non-singular matrices of the same order. Means, determinant of AB is not equal to 0 and determinant of BA is also not equal to 0. Theorem third, the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinants. That is, determinant of AB is equal to determinant A into determinant B, where A and B are square matrices of the same order. बच्चों इन थ्योरम्स को हम यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, इनके बस रिजल्ट्स याद रखेंगे और ये रिजल्ट्स थ्योरम फोर और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to. Students, you have studied in previous lecture this condition, this result holds for every square matrix. Clear? If A is a square matrix of order then अगर आपके पास इफ ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री है, नाउ ये कंडीशन लेके चलते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इसके बाद आएगा डिटरमिनेंट ए इंटू आई, एक पार्ट लेके चलते, दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस। हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये लेके चलते हैं। अगर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 तो देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 होगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 होगी तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय द स्केलर डिटरमिनेंट A B है, क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 डिटरमिनेंट ए, ठीक है। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ 3 वी गेट, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ 3 वी है वी गेट हमारे पास क्या आएगा, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ this matrix having elements determinant a 0 0 0 determinant a 0 0 0 determinant a and this is determinant of a into adjoint a, you know determinant of a b is written as determinant of a determinant of b by theorem 3. That is determinant of the product of two matrices is written as product of their respective determinants. Therefore, this result can be written as determinant A into determinant of adjoint A. And in this determinant, you can take common determinant A from first row, second row and third row, or first column, second column, third column. After taking determinant A common from first row, second row, third row, we have determinant A cube
एंड अंतर बचेगा डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख एंड यू नो डिटरमिनेंट ऑफ एनर्जी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। कितना होता है किसी भी डेंसिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आता है वो कितना आता है 1 के बराबर। नाउ वी हैव डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एक्स लाइन ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए 2। आफ्टर कैंसलिंग डिटरमिनेंट ए वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ एक्स लाइन ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए स्क्वायर। दिस इज determinant of adjoint A. So from this result we have proved that determinant of if A is a square matrix of order 3 then determinant of adjoint A is equal to determinant A square. Clear? In general ab generalize karte hain is case ko. If A is a square matrix of order n then determinant of adjoint A can be written as power of determinant A as n minus 1. This is the general case. किसी भी स्केल मैट्रिक्स का determinant of adjoint A निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं इस रिजल्ट से। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर एन देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ डिटरमिनेंट ए एज एन माइनस 1। स्टूडेंट्स लेट अस सपोज दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन व्हाट विल बी इट्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इन दैट केस वी पुट एन इक्वल टू 1 हियर देन पावर ऑफ डिटरमिनेंट ए बिकम्स 0 एंड यू नो power of determinant A 0 is equal to 1. In that case, determinant of adjoint A is equal to 1. In case of if A is a square matrix of order 2, then determinant of adjoint A will come determinant A. In another case, if A is a square matrix of order 4, then determinant of adjoint A is equal to power of determinant A as 3. A power come with it. And so this is the relation between determinant of adjoint A and determinant A. And this result, this remark is very useful, very important for question solving and for higher study as well as for competitive exam. Clear? Theorem 4. A square matrix A is an invertible matrix if and only if A is a non-singular. अगर A कोई invertible matrix है, then prove that A is a non-singular matrix. And conversely, if A is a non-singular matrix, then we have to prove that A is an invertible matrix. आओ बच्चों, हम ये मान के चलते हैं कि A is an invertible matrix and we have to prove that A is a non-singular matrix. Conversely, हम ये मान के चलेंगे कि A is a non-singular matrix and we have to prove that A is an invertible matrix. Let prove let A be an invertible matrix of order n and I be an identity matrix of same order of order n. Clear? Then there exist a matrix and invertible matrix a scale matrix B of
order n such that अगर a is अगर a कोई invertible matrix of order n है और i b an entity matrix of order n then there is a square matrix b of order n such that ab is equal to ba is equal to i this is the condition for two matrices if they are invertible to each other clear ये हमने पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ा था इफ टू मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल टू ईच अदर देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई दिस कंडीशन विल होल्ड क्लियर नाउ ए बी इज इक्वल टू आई ए बी इज इक्वल टू आई एंड बी ए इज आल्सो इक्वल टू आई वी हैव टेकन ए बी इज इक्वल टू आई टेकिंग डिटरमिनेंट of 2b taking determinant of 2b get determinant of ab equal to determinant of i and determinant of ab can be written as by theorem 3 determinant of a into determinant of b and we know that determinant of identity matrix is equal to 1 is equal to 1 because determinant of I is equal to 1 hota hai and this is written as determinant of a into determinant of b by theorem 3 theorem 3 says determinant of the product of two matrices is equal to product of their respective determinants clear now from this product of their determinants is equal to 1 it means yahan par na to determinant a 0 ke barabar hai na determinant बी जीरो के बराबर है लेकिन हम बात किस मैट्रिक्स की कर रहे हैं यहाँ ए मैट्रिक्स की हमें क्या प्रूव करना है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम थ्री वी गेट फ्रॉम थ्री वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो ये हो गया कि यहाँ ना डिनोट ए जीरो के बराबर है ना डिनोट बी जीरो के बराबर है लेकिन हमें किससे मतलब है डिनोट ए से मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता है इसका मतलब ये होता है कि दैट मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम क्या लेके चले थे हम ये लेके चले थे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दिया नाउ कन्वर्सली हम लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अब हम ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको लेके चलते हैं और प्रूव करते हैं ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स therefore determinant a not equal to 0 clear we know a into adjoint a is equal to adjoint a is equal to determinant a into I this condition holds for every square matrix clear And here, denote A not equal to 0. Matrix A is a non-singular matrix. Clear? Now, dividing thought by denote A. Dividing by denote A, we get. हमारे पास क्या आएगा ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू
वेयर बी इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एम साइन टी एंड दिस इज द कंडीशन टू मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई क्लियर देयरफॉर ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स किसके बराबर आएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एप्सिलॉन ए ये आएगा ए इनवर्स इट मींस बी कैन बी रिटन एज ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स कितना आता है या ए इनवर्स इंटू ए कितना आता है इन केस ऑफ मैट्रिसेस आई आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा आप टू को जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर सिस्टम में तो वन इन केस ऑफ नंबर सिस्टम बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस when matrix is multiplied by its reciprocal its inverse then their product is identity matrix identity matrix is multiplication identity ठीक है in case of number system multiplicative identity is one and in case of matrix is multiplication multiplicative identity is identity matrix this is inverse of A Hence, we have proved that a square matrix A is invertible matrix if and only if A is a non-singular matrix. Clear? This condition, this result is used for solving the questions.